I hope so you are doing good. In my last video lecture, we have discussed past indefinite tense, past continuous tense, and past perfect tense. Now let's discuss with past perfect continuous tense. Okay? आज हम बात करते हैं past perfect continuous tense की. ये बच्चों past perfect continuous tense है हमारा. जो आज past का एक आखिरी tense होता है हमारा, वो होता है हमारा past perfect continuous tense. तो हम स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को. क्या होता है बच्चों पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? अब मैंने आप लोगों को बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या था. ठीक है, आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था जहां पे प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉम्बिनेशन था. इसी तरीके से हम इसको लेते हैं. ठीक है, हम इसको क्या करेंगे. ठीक है, जैसे मैंने आपको प्रेजेंट में बताया था, इसी तरीके से It is a very special case. ऐसा भी कर सकते हो. Special case. It is a combination of two tenses. It is a combination of two tenses. Okay, बच्चों. अब किस तरीके से हम बात करते हैं इसको. एक होता है हमारा past perfect. एक होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस. ठीक है, ये स्पेशल केस है. ये टू टेंस का एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हम मिला के बनाते हैं क्या, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या है बच्चों, एक कॉम्बिनेशन. ओके, अब बात करते हैं ये होता क्या है, इसका यूज कहां पे करते हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस का, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, तो हम अब इसके स्ट्रक्चर और इसके यूज पे आते हैं कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हम कहां पे करेंगे. हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कोई भी एक ऐसा एक्शन जो शुरुआत हो चुका है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब पहले शुरुआत हो चुका है और कंटिन्यू रहा है कुछ समय तक. ठीक है, कोई काम जो पहले ही, मतलब कि पास्ट में किसी भी काम की एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ और वो क्या हुआ, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे आके वो फिनिश हो गया. ठीक है, सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे आके वो कंटिन्यू रहा है सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक. जैसे कि, ठीक है, नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. आप इसको एग्जांपल से समझेंगे. ही हैड बीन, इसमें भी हम लोग सिंस और फॉर का यूज करते हैं. ठीक है, हम लोगों ने क्या यूज करता है, सिंस और फॉर का यूज करते हैं. सिंस और फॉर का यूज हमने अच्छे से पढ़ा हुआ था पूरा. मेरा इस पे एक वीडियो लेक्चर आप लोगों का है सिंस और फॉर के ऊपर. ठीक है, जैसे कि आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है एक एग्जांपल. एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग अ नॉवल For two months. Okay, बच्चों, at that time he had been writing a novel for 2 months. मतलब कि वो एक समय पर एक नॉवल को राइट कर रहा था. कितने समय के लिए? दो मंथ के लिए. ठीक है, दो महीने से एक निश्चित समय पर at that time. ठीक है, he had been वो क्या है, he had been writing, वो लिख रहा था एक नॉवल फॉर द 2 मंथ. ठीक है, वो 2 महीने से एक नॉवल लिख रहा था. ठीक है, इस तरीके से हम इस टेंस का यूज एक परफेक्ट, मतलब कि एक पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा रहता है उसके टाइम से जिस समय का शुरुआत हुई है, ठीक है, उस टाइम को लेकर. ठीक है, किसी कोई भी कार्य एक निश्चित समय तक चला होगा. ठीक है, उस टाइम को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. अभी देखो यार, हमने पास्ट परफेक्ट के बारे में पढ़ा था. पास्ट परफेक्ट क्या होता है, किसी भी एक निश्चित टाइम के अंदर कोई भी घटना घटित होती है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कोई भी एक निश्चित जो चल रहा होता है हमारे, जो पास्ट में कोई भी कार्य चल रहा होता है. ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच, टेस्ट मैच, ठीक है, चल रहा था. ठीक है, कल आप देख रहे थे उसको टेलीविजन पे, मैं कल आपको टेंस पढ़ा रहा था. ठीक है, तो क्या एक पीरियड ऑफ टाइम रहता है हमारा,
उनके बीच का कॉम्बिनेशन जो रहता है उसको डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं बच्चों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसका हम सिंपल से एक फॉर्मेट लेते हैं, किस तरीके से हम फॉर्मेट बनाते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रक्चर जो हमारा होता है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमारा स्ट्रक्चर रहेगा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेड, ठीक है, बीन हेड बीन, यहां पे बी थ्री हेड बीन, ठीक है, आईएनजी मतलब बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टैग, ओके। आप लोगों को समझ आया बच्चों, इस तरीके से हम इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो हमारा रहता है वो हमारा क्या होता है, फॉर्मेट रहता है। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, अब हम इसको एग्जांपल देते हैं। ही हैज बीन, ही पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैड बीन या हैड बीन ही लगाएंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे हम, हैड, हैड का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे बच्चों, हैड का यूज कर, जैसे लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, मिस्टर ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर, या ही हैज बीन प्लेइंग अ मैच सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इस तरीके से हम, ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। इसी तरीके से हमने क्या हुआ, इसको एक सेंटेंस को बनाया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और कहाँ पे यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम यूज करते हैं बच्चों यहाँ पे, जैसे बच्चों हमारे पास एक सेंटेंस और लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे, ठीक है, I had been teaching in this institute for last 10 year, ठीक है। I had been teaching in this institute for last 10 year, ठीक है। मैं इस इंस्टीट्यूट में पिछले 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूं। इस तरीके से हम किसका यूज करेंगे, कोई भी ऐसी, पिछले 10 वर्षों से मैं इस इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब हो सकता है कि नहीं पढ़ा रहा होगा, ठीक है, लेकिन मैं पिछले 10 वर्षों से इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे थे, ठीक है, मैं मतलब पढ़ा रहा था, ठीक है। व्हेन, इसके आगे अगर हम एक सेंटेंस को और जोड़ते हैं, जैसे मैं इस इंस्टीट्यूट में पिछले 4 वर्षों से पढ़ा रहा था या 10 वर्षों से पढ़ा रहा था जब तुम यहाँ पे ज्वाइन करने आए थे, ये हमारा, हमें ये क्या है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। कोई भी एक ऐसी घटना जो एक निश्चित समय तक, निश्चित समय में पास्ट में घटित हुई है, ठीक है, उसके बारे में मैं तुम्हें डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस टेंस को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं सारे एग्जाम्पल में से भी आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आप लोग समझने की इसको कोशिश करें। जैसे कि ये लिखा हुआ है, ठीक है, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस इंस्टीट्यूट फॉर लास्ट 10 ईयर्स When you came to join it, okay? When you came to join it, जब तुम यहाँ पे join करने आए थे। इसी तरीके से एक और example को लेते हैं। Let's take another example, जब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, पूरी तरीके से clear हो जाएगा आप लोगों को। जैसे ये लिखा हुआ है, I had been living in Patna, I had been living in Patna since last January, when your brother came here to meet me, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैं पटना में पिछले लास्ट जनवरी से रह रहा था, जब तुम मुझसे या तुम्हारा भाई, ठीक है, जब तुम मुझसे यू
केम हेयर टू मीट मी, जब तुम मुझसे मिलने आए थे। ये क्या है, दो इवेंट है, दो घटनाएं हैं, ठीक है। जब तुम मुझसे मिलने आए थे तो मैं पटना में क्या हो रहा, रह रहा था, ठीक है। हो सकता है आई एम नॉट स्टिल लिविंग, ठीक है, देयर पटना, ठीक है। बट क्या हुआ, जब मैं रह रहा था, जब तुम मुझसे मिलने आए थे, तो ऐसे दो इवेंट को बताने के लिए, जब कोई भी दो इवेंट जो पास की घटना है एक साथ रिलेट कर रही है और एक साथ घटित हुई है एक निश्चित समय के लिए, तो ऐसी घटना को बताने के लिए हमें किसका यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को हम एक बार जान लेते हैं, किस तरीके से हम इसके स्ट्रक्चर को बनाएंगे। जैसे आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया, एक अफर्मेटिव का बताया, अगर हमें नेगेटिव बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया नेगेटिव। नेगेटिव में बनाएंगे, अगर हम इसको इंटररोगेटिव में बनाते हैं तो किस तरीके से बनाते हैं, इंटररोगेटिव में बनाएंगे बच्चों, तो किस तरीके से बनाएंगे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको इन डब्ल्यू एच में बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, डब्ल्यू एच में बनाते हैं, डब्ल्यू एच प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बच्चों मैंने अफर्मेटिव आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो आज हमारा फिनिश होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या फिनिश होता है बच्चों, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको सिंस और फॉर का यूज अच्छे से करना सिखाया है। सिंस को हम कहां यूज करते हैं, टू टेल अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फॉर का यूज कहां पे करते हैं, टू टेल अबाउट पीरियड ऑफ टाइम। तो इन दोनों ये सेंटेंस को आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टेंस की ओर चलते हैं, जो हमारा होता है फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। हमने आपको जब स्टार्ट में वीडियो में जब स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया तो फ्यूचर टेंस होता क्या है, फ्यूचर टेंस ऐसा होता है जो हम सिर्फ इमेजिन करते हैं। सपोज, ठीक है, फ्यूचर की घटना के बारे में बताते हैं कोई, बट हम वो फ्यूचर क्या होता है हमने कभी देखा नहीं होता है। हम फ्यूचर में सिर्फ हमें दो चीजें पता होती है, एक हमें हमेशा प्रेजेंट के बारे में पता होता है जो चल रहा होता है, एक हमें पास्ट के बारे में पता होता है, भूतकाल के बारे में पता होता है, जो हमारे साथ जो घटना घटित हो चुकी होती है। तो हम पास्ट में ऐसे इवेंट को बताने के लिए हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। प्रेजेंट को बताने के लिए हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं। बट फ्यूचर, सपोज मैं आज रात को मूवी जाऊंगा, आज रात को 10 बजे मूवी जाऊंगा, ठीक है, मैंने आप लोगों के सामने ये टेंस बोला, ठीक है। बट सपोज मेरी मदर को कोई काम आ गया, उन्होंने मुझसे बोला, उन्होंने मुझे कोई और काम दे दिया, मैं सो गया, ठीक है। बट वो क्या हुआ, वो फ्यूचर एक्शन कंप्लीट नहीं हो पाया, ठीक है। तो क्या हुआ, ये एक इनकम्प्लीट फ्यूचर एक्शन हुआ। तो फ्यूचर में कुछ जानने के लिए बेसिकली मैं इसको टेंस नहीं बोलता हूँ, आप बहुत सारी बुक में आपको इसको टेंस मिल जाएगा। टेंस का मतलब हिंदी मतलब होता है काल, ठीक है। तो ऐसी घटना जो फ्यूचर से रिलेट करती है, ठीक है, इमेजिनरी होती है, उनको बताने के लिए फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ओके बच्चों, किसका यूज करते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। तो अब हम हेडिंग डालते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। सिंपल फ्यूचर टेंस यहां पे लिखते हैं हम फ्यूचर प्लान, जो हमारा फ्यूचर प्लान एक्शन होता है उसको बताने के लिए, टू टेल अबाउट फ्यूचर एक्शन प्लान को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ओके बच्चों, इसका जो फॉर्मेट होता है हमारा, ये क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, विल और विल एंड शैल प्लस बी वन, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम बताते हैं आपको, सिर्फ इसमें ये जानने लायक है कि हम विल का यूज कहां पे करते हैं एंड शैल का यूज कहां करेंगे, ठीक है। ओके, तो हम जानते हैं इसके बारे में कि विल और शैल का यूज हम कहां करेंगे, ठीक है बच्चों। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं, मैं आप लोगों को बता रहा था विल और शैल के बारे में। विल का यूज कहां पे करते हैं, यहां पे लिखते हैं विल, ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, इसको बहुत ध्यान से समझ रहे हैं आप लोगों को, विल एंड शैल का यूज कहां पे करेंगे।
ये लिखा है विल, एक हमारा होता है, यहां पे लिखेंगे सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन। सेकंड पर्सन हमारा हो गया यू, थर्ड पर्सन शी, ठीक है ही, ये हमारे क्या हो गए, ये हो गया हमारा थर्ड पर्सन। एंड शैल का यूज कहां पे करेंगे, शैल का यूज करेंगे हमेशा फर्स्ट पर्सन के साथ में, मीन्स फर्स्ट पर्सन आई, यहां पे लिखेंगे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ओके, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड रूल नंबर टू की ओर बढ़ते हैं, आप लोग अभी इसको अच्छे से समझ लीजिए। रूल नंबर टू जो हमारा होता है, रूल नंबर टू, रूल नंबर टू में इफ सेंटेंस, अगर सेंटेंस में दिया हुआ हो, ठीक है, इफ सेंटेंस इज ऑफ, कहीं पे प्रॉमिस हो, प्रॉमिस, थ्रेट, थ्रेट मतलब धमकी, या डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मीन्स होता है आपकी इच्छा शक्ति, ठीक है, डिटर्मिनेशन, विल पावर जिसको बोलते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम करेंगे इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहां पे फर्स्ट पर्सन के साथ लगाएंगे, यहां पे फर्स्ट पर्सन के साथ लगाएंगे हम विल, एंड यहां पे जो सेकंड हमारा, जो सेकंड पर्सन होगा हमारा, सेकंड प्लस थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में यूज करेंगे हम शैल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे बच्चों, शैल का यूज करेंगे, ठीक है, किसका यूज करेंगे, शैल का यूज। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, अब इसको एग्जांपल से हम समझते हैं कि किस तरीके से कहां पे शैल आएगा और कहां पे विल आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल से हम समझते हैं और इसको क्लियर करते हैं, कहां पे शैल का यूज करेंगे और कहां पे विल का यूज करेंगे। सपोज आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, और जब भी हम पैसिव वॉइस में, एक और यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहां पे मैं थोड़ा सा आपको बताना भूल गया, एक आपके पास फॉर्मेट होता है सेल का, सब्जेक्ट प्लस शेल प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, ओके, ये आपके पास एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। जब भी पैसिव वॉइस में हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, और जो हमारा फ्यूचर टेंस का, जब भी पैसिव वॉइस में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो क्या होता है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, ही और शी, सेकंड पर्सन के और थर्ड पर्सन के साथ हम कहां क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे, ठीक है। अभी नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल, अब एग्जांपल से उसको समझते हैं। आप लोगों के सामने एक टेंस दिया हुआ है, ठीक है, ये टेंस लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, उसे मार दिया जाएगा, ठीक है, उसे मार दिया जाएगा। तो अब रूल नंबर टू की ओर चलते हैं। रूल नंबर टू में क्या था, धमकी, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, ठीक है, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, ठीक है। तो हमने सेकंड में आप लोगों को क्या बताया था, पैसिव वॉइस में जब भी हम, उसे मार दिया जाएगा, पैसिव वॉइस में जब भी सेंटेंस बनाएंगे या धमकी देंगे तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल का यूज करेंगे, बट अगर हम सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो वहां पे हम किसका ही बात करते हैं, हम सेल की बात करते हैं। तो इसको किस तरीके से हम बनाएंगे सेंटेंस को, ही Shall be killed. Okay? He shall be killed. इसका फॉर्मेट यहां पे मैं लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस बी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, ठीक है, आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। अगर सपोज हम एक, नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल, जैसे ये लिखा हुआ है, मैं बच्चों को नहीं रुलाऊंगा, ठीक है, सपोज ये लिखा हुआ है, मैं बच्चों को नहीं रुलाऊंगा, या ये लिखा हुआ है, मैं बच्चों को नहीं रुलाऊंगा, ठीक है, इसी एग्जांपल को लेते हैं, मैं बच्चों को नहीं रुलाऊंगा, ठीक है। अब इस सेंटेंस को हम किस तरीके से बनाएंगे बच्चों, आई विल नॉट को वॉन्ट भी लिख सकते हैं इस तरीके से, यहां पे
मैं लिख देता हूं, विल नॉट, ठीक है ठीक है, आई वॉन्ट मेक चिल्ड्रेन क्राई, आई वॉन्ट मेक चिल्ड्रेन क्राई, मैं बच्चों को नहीं रुलाऊंगा। ये क्या है बच्चों, ये हमारा एक मतलब एक प्रॉमिस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रॉमिस है जिसमें दिया हुआ है, ठीक है। जब भी हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, मैं फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन की अगर बात करेंगे तो किसका यूज करेंगे हम, जब भी हम बात करेंगे तो किसका यूज करेंगे हम, अपनी बात कर रहे हैं, ठीक है। आई वॉन्ट मेक चिल्ड्रन क्राई, मैं बच्चों को नहीं रुलाऊंगा, ओके। बट मीन्स ये एक डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस है कि मैं बच्चों को नहीं रुलाऊंगा, तो यहां पे किसकी बात करेंगे, रूल नंबर टू के अकॉर्डिंग आई लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों, आई लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कहां पे विल का यूज करना है एंड कहां पे शैल का यूज करना है, ठीक है। अब बच्चों हम नए सेंटेंस की ओर, नए टेंस की ओर चलते हैं, जो हमारा होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या होता है बच्चों, हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। हमारा नेक्स्ट टेंस होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है बच्चों, अगर बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, दिस शोज दैट एक्शन इज गोइंग ऑन इन द फ्यूचर, दैट इज अ कंडीशनल सेंटेंस। व्हेन वी यूज दिस टेंस, दिस शुड बी अ कंटेंस टू मेक द सेंटेंस लॉजिकली करेक्ट। मीन्स जैसे कि आप लोगों के सामने एक सेंटेंस मैं बोलता हूं, ठीक है, मैं इस फील्ड में क्रिकेट खेलता रहूंगा जब तक सुबह ना हो जाए, ठीक है, करेक्ट होना। जैसे मैं गाता रहूंगा, ठीक है, फ्यूचर का इवेंट जो मतलब कि आपको कॉन्टिन्यूअसली करना है, ऐसे इवेंट को बताने के लिए हमें क्या यूज करते हैं, हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। अब हम थोड़े से इसके स्ट्रक्चर को जान लेते हैं, स्ट्रक्चर हम किस तरीके से बनाएंगे इसका, सब्जेक्ट विल एंड शैल प्लस बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम किस इसको क्या बनाएंगे, ये हमारा क्या होगा, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब थोड़ा सा मैं इसको आपको एक सेंटेंस बताता हूं, ठीक है, एक सेंटेंस मैं लेता हूं, जैसे एक ही ये, मैं इस फील्ड में क्रिकेट खेलता रहूंगा, तो क्या होगा हमारा इसका, ये किस तरीके से बनेगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट इन दिस फील्ड, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को एक, जब मैं अभी आपको इसकी डेफिनेशन बता रहा था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि इसको एक लॉजिकली करेक्ट एक लास्ट में बोला था, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, जैसे मैं आप लोगों को ये बोलू, वह अपने स्टडी रूम में पढ़ता रहेगा, मैं अपने स्टडी रूम में पढ़ता रहूंगा, क्या ये लॉजिकली करेक्ट है, अगर मुझे कोई भी काम आ गया मान के चलो, ठीक है, या भूकंप आ गया, तो ये कोई भी लॉजिकली करेक्ट हुआ, ये सेंटेंस आपको नहीं लग रहा कि थोड़ा सा इनकम्प्लीट फील हो रहा है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही है फ्यूचर में कोई भी घटना आप उसके इवेंट को बताते रहोगे, मतलब कि कोई कॉन्टिन्यूअसली चलेगी, कोई ये लॉजिकली करेक्ट सेंटेंस है, अगर इसमें ये जोड़ देता, सपोज इस टेंस में अगर मैं ये जोड़ू, एक, मैं इस फील्ड में क्रिकेट खेलता रहूंगा जब तक सुबह तुम मुझसे मिलने नहीं आ जाते, जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे, अगर मैं इस तरीके से इसको अगर जोड़ता हूं एक कंजंक्शन से, तो ये लॉजिकली करेक्ट हुआ, ठीक है। तो इसी तरीके से हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको, लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं, इसको लिखते हैं, ही विल या आई विल बी स्टडिंग इन हिज रूम, आई विल बी स्टडिंग इन हिज रूम व्हेन यू गो टू मीट, ठीक है। जैसे कि मैं अपने रूम में स्टडी करता रहूंगा
जब तक तुम मुझसे मिलने नहीं आ जाओगे, ठीक है? ठीक है, व्हेन यू कम टू मीट मी, व्हेन यू कम टू मीट मी, मैं अपने रूम में जब तक स्टडी करता रहूंगा जब तक कि तुम मुझसे मिलने नहीं आ जाओगे, ठीक है? जैसे कि एक नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं आप लोगों के सामने। वह वहां पे नहीं रुकी रहेगी जब तक कि तुम नहीं आ जाओगे, ठीक है? वह वहां पे नहीं रुकी रहेगी जब तक कि तुम नहीं आ जाओगे, ठीक है? बहुत ज्यादा प्यार है, ठीक है? तो किस तरीके से इसको बनाएंगे, शी विल बी स्टेइंग, शी विल बी स्टेइंग देयर, शी विल बी स्टेइंग देयर अंटिल, अंटिल का मीन जब तक यू गो, ठीक है? वह वहां रुकी रहेगी जब तक कि तुम नहीं आ जाओगे, ठीक है? जब तक कि तुम नहीं जाओगे, ठीक है? आ जाओगे मीन जब तक कि तुम नहीं जाओगे वह वहां रुकी रहेगी, इसका मतलब ये हुआ। तो मतलब आप लोगों को समझ में आया, इस तरीके से भी हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस बना सकते हैं। अब हम नए टेंस की ओर बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा टेंस होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या होता है बच्चों? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जान लेते हैं, हम किस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाएंगे, ठीक है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हम हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है? क्या होता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्यों यूज करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, ठीक है? अब हम इसके बारे में जानेंगे, ओके?